नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। इस वीडियो में हम बात करेंगे दो ट्रेडर के बारे में, एक का नाम है अजय और एक का नाम है विजय। ठीक है, अब इन दोनों को हम इंट्राडे के लिए कैपिटल दे रहे हैं 1 लाख रुपए, फॉर एन एग्जाम्पल। ठीक है, 1 लाख रुपए। अब विजय क्या करेगा बताए, जब भी वो ट्रेड लेगा ना, तो कोई सी भी एंट्री पॉइंट होगी, कोई सा भी एग्जिट पॉइंट होगा, कोई सी भी स्ट्रैटेजी फॉलो होगी। ठीक है, अब अजय को वही चीज दी जाएगी ना, तो वो क्या करेगा कि ठीक है, मेरी कैपिटल 1 लाख रुपए है, तो मैं पर दिन मैक्सिमम 2% रिस्क लूंगा, मतलब 2,000 रुपये, और मैं दो ट्रेड लूंगा, मतलब ये 2,000 रुपये का 1-1,000 में बंटवारा कर दूंगा। ठीक है, इसकी वजह से अजय की अगर एक्सेल शीट देखो, या तो उसका ट्रेडिंग का पीएनएल वगैरह देखो, और विजय का देखो, तो विजय में क्या होगा बताइए, एक दिन लॉस 500 होगा, एक दिन लॉस 1,000 होगा, एक दिन 4,000 का भी लॉस होगा, और एक दिन 100 रुपये का भी होगा। हालांकि अजय की बुक देखो तो लॉस वहां पे फिक्स ही होगा, जब भी उसको लॉस होगा तो 1-1,000 रुपये का ही होगा। ठीक है, एक मेजर डिफरेंस मैंने बताया अजय और विजय में। दूसरा, एक और मेजर डिफरेंस मैं आपको बताता हूं, अजय और विजय में एक और मेजर डिफरेंस है। अजय क्या करता है, ट्रेड लेने से पहले उसको अपना रिस्क पता है, उसको अपना लॉस पता है, उसको एंट्री पॉइंट पता है, उसको एग्जिट पॉइंट पता है, उसको अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो पता है, सब कुछ पता है। विजय क्या करेगा, कोई भी पैटर्न पे, कोई भी स्ट्रेटेजी पे एंट्री तो ले लेगा, पर उसको एग्जिट का पता नहीं है। फिर वो सबको पूछता रहेगा कि मैंने ये होल्डिंग कर रहा हूं, मैं कैसे एग्जिट करूं, कैसे एग्जिट करूं, कैसे एग्जिट करूं। ठीक है, ये एक मेजर डिफरेंस है। फिर एक और चीज बात कर लेते हैं अजय और विजय के बारे में। लेट्स से ये दोनों ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो ऑप्शन ट्रेडिंग में भी अजय को पता है कि उसके पास कितनी कैपिटल है, वो कौन सी स्ट्रेटेजी में कितनी कैपिटल डालेगा, वो उसके पास डिफाइन है। वो फिर स्ट्रेटेजी में हर ट्रेड में कितना रिस्क ले रहा है और उसके सामने रिवॉर्ड कितना है, उसके उसको पता होता है सब कुछ। उसके पास एडजस्टमेंट के लिए भी एक्स्ट्रा कुछ कैपिटल या तो मार्जिन बचा के चलता है। विजय क्या करता है ऑप्शन ट्रेडिंग में, सबसे पहले तो कॉल पुट जो भी आया, जो भी निकला, जो भी जैसा लगा ऐसे एंट्री कर लो। कोई मार्जिन का प्रॉपर यूज नहीं, कोई पोजीशन का प्रॉपर यूज नहीं, अगर एडजस्टमेंट की जरूरत पड़ेगी तो कुछ मार्जिन बचा नहीं होता है। दूसरा, अजय और विजय की बात करें तो एक दूसरा एक बहुत बड़ा डिफरेंस ये निकलता है कि विजय ऐसा सोचता है कि मुझे डेली का 1% प्रॉफिट चाहिए, तो इसके हिसाब से अगर वीकेंड वगैरह निकाल दो तो महीने का 20-22% प्रॉफिट हुआ, तो शायद साल का 240-250% प्रॉफिट हुआ। ठीक है, अजय ये सोचता है कि उसको 1 ईयरली अपनी कैपिटल में से कितना रिटर्न मिलेगा। ये दोनों में ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। फिर अगर विजय का ग्राफ देखो, विजय का ग्राफ ऐसा होता है, ऐसा ऐसा, और फिर एक टाइम पे वो स्टॉक मार्केट में से निकल जाता है। फिर अजय का अगर ग्राफ देखो तो अजय का ग्राफ ऐसा होता है, जब से उसने स्टार्ट किया ना तब से, इनिशियल स्टेज में बहुत पेशेंस। ठीक है, ये ग्राफ है अजय का, और विजय तो स्टॉक मार्केट में से निकल गया। तो ये पूरा जो मैंने आपको समझाया, उसमें मैं आपको समझाना क्या चाहता हूं कि जो सक्सेसफुल ट्रेडर्स होते हैं ना, बहुत सिंपल होता है, बहुत सिंपल। उनका रिस्क मैनेजमेंट और लॉस मैनेजमेंट इतना सॉलिड होता है कि ये रिस्क मैनेजमेंट और लॉस मैनेजमेंट पे फोकस कर रहे हैं ना, इसलिए प्रॉफिट होती है ना, प्रॉफिट जो प्रॉफिट होता है ना, वो उसका बाय प्रोडक्ट हो जाता है। और दूसरे लोग क्या कर रहे हैं कि प्रॉफिट पहले फोकस करो, प्रॉफिट, और रिस्क मैनेजमेंट और लॉस मैनेजमेंट ट्रेड लेने के बाद हम देखेंगे कि कहाँ हम फंसे, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। तो ये जो पूरी गेम है ना, उसका सबसे बड़ा फॉर्मूला यही है कि जब आप एंटर होते हैं ना, उससे पहले आपके पास सब कुछ डिफाइन होना चाहिए। जो बंदे के पास डिफाइन है वो बंदा जीत जाएगा। इसीलिए कई बार क्या देखा होता है बताए, लोग 50,000 की कैपिटल लेके आता है, लोग 1 लाख की कैपिटल लेके आते हैं, फिर आप देखना 1 महीने में ये कैपिटल गायब हो जाती है, 60 दिन में ये कैपिटल गायब हो जाती है, और मैक्सिमम 3 महीने में तो स्टॉक मार्केट को बाय बाय कर देते हैं। क्यों, ऐसा क्यों? सबसे बड़ा रूल होता है कि पहले आप अपनी कैपिटल तो प्रिजर्व करो, तो लंबी रेस के घोड़े बनोगे। कैपिटल है वो तो प्रिजर्व करो, उसके लिए आपके पास पूरी सिस्टम होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई भी स्ट्रेटेजी, कोई भी पैटर्न में कहीं भी स्टॉप लॉस रख लिया, कहीं पे भी एंट्री एग्जिट कर ली। देखो, इसलिए हम लोगों मैंने क्या किया है, ऑप्शन स्कूल लॉन्च की।
इंट्राडे स्कूल लोन्स की, कमोडिटी स्कूल, स्विंग ट्रेडिंग है, ये सभी में मैंने लेवल वन, लेवल टू, लेवल थ्री बनाया है। और मेरा पूरा ध्यान कहाँ पे होता है पता है, कि मैं रिस्क मैनेजमेंट और लॉस मैनेजमेंट में लोगों को सॉलिड बनाऊँ और मैं खुद सॉलिड बनूँ। तो प्रॉफिट तो मेरा बाई प्रोडक्ट हो ही जाएगा ना, प्रॉफिट बाई प्रोडक्ट हो ही जाएगा। आप अगर प्रॉफिट को पहले रख रहे हो और ये रिस्क मैनेजमेंट और लॉस मैनेजमेंट को बाद में रख रहे हो, वही डिफरेंस होता है अजय और यही डिफरेंस होता है विजय, कि क्यों विजय जैसे लोग ज्यादा है, क्यों विजय जैसे लोग फंस जाते हैं, क्यों विजय जैसे लोग पूछते रहते हैं दूसरे को कि मैंने एंट्री की, मैं एग्जिट कहाँ से करूँ, क्यों ये लोग दो तीन महीने से ज्यादा स्टॉक मार्केट में टिक नहीं सकते। इट्स ऑल मैटर ऑफ कि आप रिस्क कैसे मैनेज कर रहे हो, आपका डिसिप्लिन कैसा है। बहुत सिंपल, बस यही फॉर्मूला है। अगर और ये फॉर्मूले को यूज करने के लिए, ये सब चीज़ों को मैनेज करने के लिए करेज चाहिए, हिम्मत चाहिए। अगर हिम्मत से ये फॉलो कर लिया तो स्टॉक मार्केट में आपको सक्सेस दिलाने से कोई नहीं रोक सकता। वरना आप जितनी भी चैनल फॉलो करना हो, जितने ही लोग फॉलो करना हो, जितनी ही बुक्स पढ़ो, पर इम्प्लीमेंटेशन में मैंने जो बोला वो नहीं लाया तो आप गए काम से। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है और ये मैंने देखा हुआ भी है। ठीक है दोस्तों, तो अगर ये वीडियो में से कुछ भी समझना हो तो ईमेल या व्हाट्सअप मुझे कर देना। मैंने बहुत सिंपल वीडियो बनाने की ट्राई की है। अगर अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, सजेशन करते रहना, अपने इनपुट्स देते रहना। और स्टॉक मार्केट में आगे बनना है तो पैसा तो बनेगा कि वेबसाइट विजिट कर लें या तो ऐप डाउनलोड कर लेना। काफ़ी सारे कोचिंग प्रोग्राम्स और स्ट्रेटेजीज मैंने डाली हुई जो आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, मिलते हैं दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए विश यू लॉट्स ऑफ लव एंड हैप्पीनेस। थैंक यू वेरी मच।